हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनुराधा की चार बहू तो पहले ही सर्कल जानती थी, लेकिन अनुराधा की पांचवी बहू आती है, वो भी बाकी चार बहुओं के साथ रहते रहते सर्कस अच्छे से सीख जाती है। अनुराधा की पांचों बहुओं ने घर को ही सर्कस बना रखा था। अनुराधा के बार बार मना करने के बाद भी कोई उसकी बात नहीं सुनती, सब अपने में ही लगी रहती। ऐसे ही एक दिन अनुराधा की बड़ी बहू 3 ग्लास उछाल रही थी और आशा टमाटर को। इतने में ही वहाँ पर अनुराधा आती है और ये देखकर बोलती है, ये क्या है, वैसे ही तुम पांचों की वजह से घर में गिने चुने बर्तन बचे हैं। अब क्या जो बचे हैं वो भी तोड़ के मानोगी? और आशा बहू, तुझे खाना बनाने के लिए बोला था, टमाटर उछालने के लिए नहीं। माँ जी, आप भी वहाँ से आलू उठा लो और सर्कस वाली बहुओं की तरह आप भी करतब दिखाना शुरू कर दो। सच में ऐसे करने से तो मेरी परेशानी दूर ही हो जाती है। हाँ, खुद की परेशानी दूर कर और मेरी परेशानी तो और बढ़ाकर मानेगी ना। कितना समझा चुकी हूँ मैं तुम पांचों को, लेकिन तुम कहीं भी अपना सर्कस खोल कर बैठ जाती हो और ये घर है कोई सर्कस नहीं जो तुम यहाँ ग्लास टमाटर उछाल रही हो। माँ जी, ये तो कुछ नहीं है, मैं तो पहले रस्सी पे भी चलती थी, मुझे वो भी आता है। हम पांचों भवे तो पहले से ही सर्कस जानती हैं और हमने इतनी जल्दी प्रीति को भी सिखा दिया। यहाँ तीनों की बातें चल रही थी कि तभी वहाँ सामने से अनुराधा की दूसरी बहू वंदना अपने सर पर पानी के 3 मटके रख कर आ रही थी और दूसरी तरफ से नेहा अनुराधा की चौथी बहू बॉल को अपने सर पर घुमाते हुए आती है। दोनों अपने अपने कर्तव्य इतनी बिजी थी कि एक दूसरे को देख नहीं पाती और टकरा कर गिर जाती है। वहाँ पूरा पानी पानी फैल जाता है। ये सब देखकर अनुराधा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सबको डांटते हुए बोलती है, अरे निकम्मियों, अब तुम किसी सर्कस में नहीं हो, तुम सबकी शादी हो चुकी है तो ये सब बचकानी हरकतें छोड़ दो, पूरा पानी पानी कर दिया है। माँ जी, ये सब तो कर्तव्य में चलता ही रहता है, आप कभी मेरे मायके के पास जो सर्कस लगता है वहाँ जाना, वहाँ तो और भी अतरंगी कर्तव्य होते हैं, देखकर आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तुम पांच सर्कस वाली बहू मिल तो गई हो, अब मुझे सर्कस में कर्तव्य देखने जाने की जरूरत ही क्या है? रोज का तुम पांचों कोई ना कोई नया सर्कस दिखा ही देती हो ना। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही ही बोला, हमारे होते हुए भी आपको सर्कस देखने जाने की जरूरत पड़े फिर क्या फायदा हमारे होने का। बस करो, मैं तुम्हें यहाँ डांट रही हूँ और तुम सबको ये लग रहा है कि मैं शाबाशी दे रही हूँ। मैं बार बार नहीं समझाने वाली कि अपना ये कर्तव्य घर में बंद कर दो, इसलिए खुद ही समझ जाओ, अब वही बेहतर होगा। अनुराधा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती। अनुराधा अपनी बहुओं की ये रोज रोज के घर को सर्कस बनाने की आदत से परेशान थी। अनुराधा की पांच सर्कस वाली बहुएं केवल घर पर ही नहीं अपने आसपास के लोगों में भी सर्कस वाली बहुओं के नाम से फेमस थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद अनुराधा की पड़ोसन भावना उसके घर आती है। तभी वहाँ अनुराधा की चारों बहुएं और पांचवी बहू प्रीति सर्कस की तरह अपना ही कर्तव्य दिखा रही थी। ये सब देखकर भावना कहती है, अरे अनुराधा, तेरी बहू तो चलता फिरता कर्तव्य करती रहती है, जब भी तेरे घर में आओ कोई ना कोई सर्कस चलता ही रहता है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ तेरे सर्कस के पैसे भी बच जाते हैं। तुम पांचों देख नहीं रही हो कि घर में मेहमान आए हैं, और जाओ कुछ चाय पानी लेकर आओ। चाय पानी तो होता ही रहेगा, पहले तेरी बहुओं का कर्तव्य तो देख लूं। अरे रोज रोज तेरे घर थोड़ी ना आती हूँ मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ तो थोड़ा तो कर्तव्य देखने ही दे। वही तो मैं भी बोल रही हूँ, मुझे चारों दीदियों ने सर्कस के पूरे कर्तव्य सिखा दिए हैं, मुझे सब आता है, मैं आपको अपना कर्तव्य दिखाऊंगी, आप तो बस मेरा कर्तव्य देखो। सिखाया हमने है और हमसे ही आगे बढ़ रही हो, ये क्या बात हुआ भला, जो तुम अब सीख रही हो ना वो तो हमने कब का करके छोड़ चुका है, कुछ नया है तो वो बताओ। तुम दोनों को क्या ही आता है, मुझसे अच्छा कोई कर्तव्य नहीं कर सकता है, मैं अपने पापा का पूरा सर्कस खुद ही संभालती थी, और तो और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते थे, तो तुम दोनों मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, इसलिए तुम सबको ये सीखने की जरूरत है। सलोनी दीदी, मानती हूँ आप इस घर की बड़ी बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर काम में बड़ी हो। आप अपने पापा का सर्कस अकेले ही संभालती थी और मैं तो अपने शहर के सभी सर्कस में काम कर चुकी हूँ, मेरा तो बस नाम ही काफी है, दूर दूर से आते थे लोग मेरा कर्तव्य देखने के लिए। असली मजा तो यहाँ है। सच में अनुराधा, मैं तो कहती हूँ कि तू अपनी पांचों बहुओं का सर्कस करवा ही दे, इसी बहाने पूरे मोहल्ले वालों का मजा भी हो जाएगा। बता कब करवा रही है सर्कस?
बस करो तुम सब, कब से देख रही हूँ तुम सबका सर्कस का नाटक खत्म ही नहीं हो रहा है। कितनी बार बोल चुकी हूँ कि बाहर वालों के आगे तो थोड़ी इज्जत रख लिया करो, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता है। माँ जी आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? हम तो बस अपना अपना गुण दिखा रहे हैं। अब आपकी पांचों भावें सर्कस वाली हैं, तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए। मैंने अभी बोला ना कि सर्कस का बाजा बंद करो, समझ नहीं आया कि किसी को वापस से समझाऊं? अनुराधा का गुस्सा देखकर सब शांत हो जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन इतने में ही अनुराधा की पांचों बहुओं का सर्कस थोड़ी ना बंद होने वाला था, ये तो रोज का ही हो गया था। जब अनुराधा गुस्सा करती तो उसकी बहुएं थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती, फिर थोड़ी देर बाद वापस से कर्तव्य करने लगती। कुछ दिनों बाद अनुराधा की पांचों बहुएं छत पर कर्तव्य कर रही थी और छत से आस पड़ोस के लोग पांचों सर्कस वाली बहू को देखकर उनका मजाक बना रहे थे कि तभी ये सब अनुराधा को पता चलता है। तो अनुराधा छत पर जाती है और अपनी पांचों बहुओं से कहती है, बस करो तुम सब, यहाँ मेरा मजाक क्यों बना रही हो? आस पड़ोस के सभी लोग तुम सबको ही देख रहे हैं, चलो नीचे। माँ जी आपकी सर्कस वाली बहुएं हैं तो सर्कस ही दिखा सकती हैं ना, हम यहाँ किसी सर्कस में तो अपना कर्तव्य दिखाने जाते नहीं, तो हमने सोचा यहीं पर शुरू हो जाए। आशा सही बोल रही है, और वैसे भी इतने लोगों के बीच में कर्तव्य दिखाए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए अब थोड़ी देर यहाँ सर्कस करके नीचे आ ही जाएंगे। अरे यहाँ मजाक बन रहा है और कुछ नहीं, खुद की इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो कर लो। ऐसे चार लोगों के आगे कर्तव्य करना अच्छा लगता है क्या? माँ जी चार लोग कोई दूसरे थोड़ी ना है, अपने पड़ोसी ही तो है। अगर हम बाहर किसी के आगे करते तब आपका हक बनता हमें बोलने का, लेकिन ये तो हम अपनी छत पर ही कर रहे हैं ना। ये सब एक दो दिन ठीक लगता है, लेकिन रोज रोज करना जरूरी नहीं है। और वैसे भी तुम सब शादीशुदा गृहस्थी में ध्यान दो, कर्तव्य करना जरूरी नहीं है। अनुराधा यहाँ सुना ही रही थी कि तभी प्रीति का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके पैर में काफी ज्यादा जोर से मोच आती है। सभी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। प्रीति का पैर चेक करने के बाद डॉक्टर सबको बताते हुए कहते हैं, देखिए इनके पैरों में ना काफी ज्यादा मोच आ गई है। ये जो कुछ भी कर रही थी, जैसे योग, कसरत, कर्तव्य या फिर कोई भी ऐसी चीज, ये सब ना किसी ने एक्सपर्ट की निगरानी में ही करना चाहिए था। क्या मतलब ये कर्तव्य कर रही थी? ये नहीं बल्कि पांचों बहुएं सर्कस वाली ही है, आए दिन कोई न कोई ऐसे ही कर्तव्य करती रहती है। यही मतलब है ना कि इनके पैरों में जो मोच आई है वो इसलिए आई ना क्योंकि ये जो कर्तव्य होते हैं ना इन्हें ना हम ना संभाल कर हमें करना चाहिए और सुरक्षित जगह पर ही करना चाहिए। अच्छा हुआ ज्यादा बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, वरना जैसा आपने हमें बताया था कुछ भी हो सकता था तब तो। सुन लिया तुम सबने, अब हो गई होगी ना तसल्ली या अभी भी नहीं हुई? माँ जी वो क्या? माँ जी वो मैं तुम सबको पहले ही समझा चुकी थी, तब तो किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। अब जब प्रीति का पैर टूट गया अब अकेले ठिकाने आ गई ना। हाँ माँ जी आप ठीक बोल रही हो, हमें जरा सोच समझ कर ये सब करना चाहिए था। हम पांच सर्कस वाली बहुएं हैं, लेकिन ये तो भूल ही गई कि सर्कस एक मैदान में किया जाता है, ऐसे घर में नहीं। अब समझ आ ही गया है तो आगे से तुम पांचों ध्यान रखना कि ऐसा कभी ना हो, चार लोगों के आगे नाक कटवा कर रखी है। प्रीति को चोटिल देखकर सबको अपनी सास की बात समझ आती है और वो आगे से ये सब कर्तव्य दिखाना बंद करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।